तो हेलो स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैं आज क्विक रिवीजन का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको क्विक रिवीजन मिलेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट में रिवीजन करेंगे। लगभग लगभग डेली एक चैप्टर जो है रिवीजन कर लेंगे, जो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो बहुत हेल्पफुल होबे करेगा। और जो अगर 11th में है, 12th में है, तो 12th वाले के लिए आप रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं इसमें। तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है 11th NCERT के सेकेंड मोस्ट टॉप चैप्टर है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से दिया हुआ है। तो इसमें हम सारे जो इसमें किंगडम पढ़ेंगे, मान लीजिए इसमें क्या चैप्टर आता है, टॉपिक आता है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनमिलिया। तो इसमें जो है प्लांटी और एनमिलिया जो है इसका सेपरेट चैप्टर चैप्टर दिया हुआ है, जो आगे हम इससे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर जो है प्लांट किंगडम है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है तो इसमें ये उसके बाद बायोलॉजी एनिमल किंगडम आता है, उसमें वो भी चैप्टर अलग से दिया हुआ है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करने जा रहे हैं कि अरिस्टोटल चाचा जो आए, अरिस्टोटल जो आए, तो अरिस्टोटल जो है इसमें प्लांट और एनिमल को दो प्लांट को और एनिमल में बांटा, जैसे लोकोमोशन कर सकते हैं, जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, तो प्लांट जो है लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, एनिमल जो है लोकोमोशन कर सकते हैं, तो ये डिवाइड किया। उसके बाद प्लांट को भी तीन भागों में बांटा। प्लांट को तीन भागों में बांटने का रीज़न ये था उसका कि हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री। हर्ब्स उसको बोला और शर्ब्स हर्ब्स उसको बोला जो सबसे छोटे छोटे पौधे, जो आपको घास हुआ, ग्रास हुआ, जिसे उसी ग्रुप का जितना हो गया नीचे नीचे, मतलब नीचे में रहने वाले जो उतना होता है उसको बोला हर्ब्स। शर्ब्स उससे वाला बड़ा पौधा, जैसे आपको भिंडी जैसे हो गया उसका, जिसे बहुत सारा होता है इतना बड़ा बड़ा, थोड़ा मीडियम का वो हो गया आपको। उसके बाद आता है ट्री। ट्री जो है सबसे लंबे लंबे ट्री रहेगा उसको भी बांटा। तो ट्री को हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री तीन प्लांट में दिया। उसके बाद एनिमल में भी दो भागों में बांटा। एनिमल में इनिमा, जिसमें RBC प्रेजेंट रहेगा उसे इनिमा बोला, जिसमें RBC एब्सेंट रहेगा उसे इनिमा बोला, एनिमा बोला। तो ये था अरिस्टोटल चाचा का, ये दो भागों में बांटना, पहला तो प्लांट और एनिमल, यानी प्लांट को हर्ब सबस्ट्रीम में और एनिमल को इनिमा और एनिमा में बांटा। उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ये जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो इसमें दिया था, इसमें सबसे पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल में बांटा। उसमें जो भी जो है कैरेलियस लिनियस ने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरेलियस लिनियस ने, इसमें जो है बाय लिनियस ने दिया, कैरेलियस लिनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो जो दो किंगडम प्लांट और एनिमल में बांटा। तो उसके बाद जो आता है इसका ड्रॉबैक था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक ये था कि जो आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएँ, जो कौन सा जीव मल्टीसेलुलर है, कौन सा जीव यूनिसेलुलर है, जैसे कि एक ही चैप्टर में सबको रख दिया, जैसे मोनेरा को भी रख दिया था, मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, जैसे एल्गी में जैसे स्पायरोगैरा हुआ, क्लैडोमोनास हुआ, सब एक किस्की होता है, जो उसको भी प्लांटी के साथ रख दिया था, तो ये डिफरेंस नहीं बता पाए। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं बताया, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस नहीं बता पाया। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस नहीं बता पाया, तो ये इसका 3 ड्रॉबैक था, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं बताया, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं बताया। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपको एल्गी आ जाता है, ग्रीन एल्गी आ जाता है, जो फोटोसिंथेटिक कर सकता है, जो बैक्टीरिया का मेंबर है लेकिन फोटोसिंथेटिक कर सकता है, उसी तरह फोटोसिंथेटिक नहीं करता है उसको भी प्लांट में रखा था जो फंजाई था। तो ये था उसका ड्रॉबैक। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है, जो 1880 में दिया था अर्न हेकल ने दिया था। तो अर्न हेकल ने तो
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्न हेकल ने, उसमें जो है प्लांट और एनिमल्स और प्रोटिष्ठा को ऐड किया, जैसे कि प्रोटिष्ठा को ऐड किया था इसमें, प्रोटिष्ठा को ऐड किया। तो उसके बाद जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने दिया था जो प्रोक्रियोटिक को डिवाइड किया, यानी कि प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस को निकाला था, यानी कि मोनेरा को अलग किया था जैसे बैक्टीरिया, और प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक को अलग किया था। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था एफ कोपलैंड का। एफ कोपलैंड का किसका? तो एफ कोपलैंड का जो है ये बायोलॉजिकल फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आता है आर एच विटिकर 1969, ये इसका इस भी जो याद रखना जरूरी होता है, इसमें जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, एनिमिलिया, ये पांच किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी और एनिमिलिया, फाइव किंगडम दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें, उसके बाद जो है इसका कौन सा क्राइटेरिया डिपेंड करता है, कौन सी क्राइटेरिया दिया था, मेन क्राइटेरिया क्या था डिफ्रेंसिएशन करने का? तो इसका मेन क्राइटेरिया था कि सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर किस कैसा है, जैसे कि इसका सेल वाल कैसा है, जैसे प्लांट का सेल वाल, जैसे कि मोनेरा का सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, प्लांट का सेल वाल सेलुलोजिक होता है, फंजाई का सेल वाल फंजाई का सेल वाल काइटेनियस होता है, ये डिफरेंस बताया था। उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनिज्म, उसका बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है या यूनि सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या यूनि सेलुलर है, ये डिफरेंस था। उसके बाद मल्टी सेलुलर जैसे कि एक कोशिकीय होता है, और मल्टी सेलुलर जो मल्टी बहु कोशिकीय होता है जो, उसके बाद यूनि सेलुलर जो एक कोशिकीय होता है, ये डिफरेंस क्राइटेरिया था। उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पहले एंजाइम डालता है, उसके बाद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग करते हैं, अंदर भोजन में को लेते हैं उसके बाद पचाते हैं, तो ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये डिफरेंस इसमें जो बताया था। उसके बाद जो है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, या जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको रिलेशनशिप बताया। ये पांच क्राइटेरिया था, चार क्राइटेरिया था इसका, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जो था इसका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो ये इसमें उसके बाद आता है थ्री डोमेन, सिक्स क्लासिफिकेशन। अभी जैसे उस समय में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन चलता था और सिक्स किंगडम, अभी जो नया ट्रेंड आया है सिक्स किंगडम भी आ गया है, उसको थ्री डोमेन्स के नाम से जाना जाता है, थ्री डोमेन्स, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है उसमें जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया को अलग किया था, बैक्टीरिया में, अब मान ली बैक्टीरिया में ही अलग किया था, जैसे यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एक यू बैक्टीरिया, आर्किया, आर्की बैक्टीरिया, और इसमें जो है प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमिलिया जो है। उसके बाद इसमें इसमें सिक्स किंगडम, थ्री सिक्स किंगडम, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाय, प्लांटी, फंजाय, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, जो इसमें जो है ये सिक्स किंगडम के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसमें सिक्स किंगडम में जो बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और आर्किया, यू बैक्टीरिया जो प्राचीनतम बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो जो होता है ये मोस्ट नया एडवांस बैक्टीरिया है, और उसके बाद यूकेरिया, यूकेरिया में जो है तीन किंगडम, जो प्लांटी एंड फंजाय, एनमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाय, एनमिलिया, प्रोटिस्टा और यूकेरिया, ये बैक्टीरिया में डिवाइड किया था सिक्स किंगडम में। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद
मैं तुरंत क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट एनिमल को डिवाइड किया। प्लांट को दो भाग तीन भागों में डिवाइड किया, हाउस हाउस ट्री, और उसके बाद आया उसके बाद एनिमल। एनिमल में जो इसमें आरबीसी प्रेजेंट रहेगा, तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट रहेगा उसमें इनिमा बोला, जिसमें आरबीसी अब्सेंट रहेगा उसमें इनिमा बोला। उसके बाद आता है तुकिनम क्लासिफिकेशन, जो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताया प्लांट में और एनिमल में। तो प्लांट को एनिमल में, तो उसका ड्रॉबैक ये था कि जो तुकिनम क्लासिफिकेशन दिया था कैरेलियस लिनियस ने जो तुकिनम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इसमें जो है ड्रॉबैक ये था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बता पाया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं बताया। और उसके बाद जो आता है उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बताया। तो उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो आता है, अर्न हेकल से आपने आया था, अर्न हेकल चाचा ने आया था, जो किंगडम थ्री किंगडम में जिसमें जो प्रोटिस्टा ऐड किया था, मोनेरा सॉरी सॉरी प्लांटी और एनिमिलिया, और प्लांटी एनिमिलिया और प्रोटिस्टा जो इसमें समझ में नया, सो प्रोटिस्टा में डाल दिया, जिसे डस्टबिन ऑफ प्रोटिस्टा भी उसको उस समय में बोला जाता था। जिसे जो समझ में नहीं आता है यूनिसेलुलर में मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है, तो उसको प्रोटिस्टा में, और जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकता है नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो वो प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। तो उसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लास में, आर एच बेटिकर ने दिया था। आर एच बेटिकर ने 1969 में दिया था उसको। उसके बाद जो आता है ये उसमें क्या क्या था, फोर किंगडम में जो होता है एफ कॉपलैंड ने दिया था। एफ कॉपलैंड जो था फोर किंगडम, उसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में को अलग किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग किया था। उसके बाद उसमें उसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच बेटिकर ने दिया था, और इसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई और एनिमिलिया ये पांच किंगडम था। उसके बाद ये मेन क्राइटेरिया इसका क्या था, इसका मेन क्राइटेरिया ये था, बांटने का मेन क्राइटेरिया ये था कि उसका बॉडी और सेल वॉल कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। और उसके बाद जो होता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो उसके बाद आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में थ्री डोमेन के नाम से जाना जाता है, तो ये इसमें जो है मेन क्राइटेरिया था, जो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा, आर्किया और यू बैक्टीरिया। आर्किया मतलब यू बैक्टीरिया मतलब प्राचीनतम बैक्टीरिया, बहुत ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। और आर्किया जो आर्की बैक्टीरिया जो है न्यू बैक्टीरिया है उसको डिवाइड किया। उसके बाद यूकेरिया, यूकेरिया में प्रोटिस्टा फंजाय एनमिलिया और फंजाय प्रोटिस्टा फंजाय एनमिलिया और जो तो है प्लांटी, ये चार इधर किया था और दो उधर यू बैक्टीरिया में। तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद आपको इसको नोट डाउन करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, तो उसके बाद मैं हट जाता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये उसके बाद नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो